है एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप समझते हो गाइज। आप भी टिकटॉक यूज करते हो तो आप अपने फॉलोइंग लिस्ट को किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, तो हम इस वीडियो में बताएंगे आप अपने फॉलोइंग लिस्ट हाइड कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो गाइज सबसे पहले तो आपको अपने टिकटॉक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप टिकटॉक ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में चले जाना है। जो आप अपने फ्लोइंग लिस्ट को हाइड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, तो आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आपको जो आपको थोड़ा नीचे की तरह स्क्रॉल कर देना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लोइंग लिस्ट। तो आप में ऑप्शन आ गया है, और अभी तक आप में इस फ्लोइंग लिस्ट का ऑप्शन नहीं आया है तो आप टिकटॉक को जस्ट नाउ अपडेट कीजिए और आपको में भी आ जाएगा फ्लोइंग लिस्ट का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे ओनली मी कर लेना है, तो आपको फ्लोइंग लिस्ट हाइड हो गया। तो आप चाहे तो किसी और आईडी से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं किसी और आईडी से यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लोइंग लिस्ट हाइड हुआ या नहीं। तो आपको आप भी ऐसा ही करके किसी और आईडी से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। आप जिस आईडी में फ्लोइंग लिस्ट हाइड किए उस आईडी को आपको सर्च कर लेना है, और यहाँ से आपको देख लेना है फ्लोइंग लिस्ट हाइड है या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, इस आईडी में मैंने फ्लोइंग लिस्ट हाइड किया था। और यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आप नहीं देख सकते हो ये कौन कौन इसका जो फ्लोइंग लिस्ट में है वो आप नहीं देख सकते हो। तो इसी तरह आप भी अपने आईडी में फ्लोइंग लिस्ट का ऑप्शन लगा लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।